भारत में मीटू आंदोलन ने तब जोर पकड़ा था जब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। इसके बाद कई महिलाओं ने अपनी कहानियों के साथ आगे आने की हिम्मत जताई और सोशल मीडिया पर कई स्टार्स का पर्दाफाश किया। टीवी की एक एक्ट्रेस ने भी अपने साथ हुई घिनौनी हरकत का खुलासा कर सभी को हैरान कर दिया। सोनल वेलगुरकर टीवी की बेहद ही फेमस एक्ट्रेस है। सोनल ने 7 o'clock से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने सीरियल के जरिए पहचानना शुरू कर दिया। शास्त्री सिस्टर सीरियल में देवयानी शास्त्री के रोल में उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की। हालांकि करियर की शुरुआत में सोनल को भी कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। जब देश में मीटू कैंपेन ने धूल पकड़ा था, तब सोनल ने भी अपने दिल की बात बताई थी। सोनल ने उस दौरान बॉम्बे टाइम्स को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, ये उस समय की बात है जब मैं 19 साल की थी और स्ट्रगल कर रही थी। तब एक कास्टिंग वेबसाइट के जरिए उनकी मुलाकात राजा बजाज से हुई थी। राजा ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, मैं सही से डायलॉग नहीं बोल पाई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा चेहरा अच्छा है, लेकिन मुझे प्रोफेशनल की बेहतर समझ होनी चाहिए और सुझाव दिया कि मैं एक शूट में उनकी हेल्प करूँ। सोनल ने आगे कहा था, इसके बाद राजा ने मुझे कपड़े बदलने और फोटो सेक्शन के लिए तैयार होने के लिए कहा। बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में एक्ट्रेस ने आगे बताया, उसके हाथ में क्रीम की एक बोतल थी और उसने मुझे कहा कि इन्हें पहनने से पहले मैं इसे अपने ब्रेस्ट पर लगा लूं, इससे उन्हें सही से शेप मिलेगी। मैं डर गई थी, लेकिन वह आगे आया और मेरी ब्रेस्ट पर जबरदस्ती क्रीम लगा दी। मैं बहुत डर गई और वहां से भाग गई। उस समय मेरे परिवार को कोई मेरे साथ नहीं था। ये वादा रहा कि एक्ट्रेस ने यह तक आरोप लगाया था कि राजा ने उन्हें तांत्रिक विद्या जानने का वादा करते हुए अपने सारे कपड़े उतरवाने के लिए कहा। एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि राजा ने उनसे कहा, आपको मैं तांत्रिक विद्या सिखाऊंगा जिससे आप रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे। सोनल ने आगे बताया कि राजा ने उनसे कहा, तुम्हें बिना कपड़ों के मेरे सामने बैठना होगा और जो मंत्र मैं जाप करूं उसे दोहराना होगा। मैंने उसे झड़क दिया और कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं सीखना चाहती। इसके बाद वह आगे बढ़ा और जबरन मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मैं किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब रही और सीधे मॉडल और उसकी माँ के पास गई, जो बगल के कमरे में थी। सोनल ने आगे कहा था कि उन्होंने राजा के खिलाफ कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि राजा की पत्नी और बेटी शीना ने सोनल पर ही वसूली करने का आरोप लगा दिया था। शीना ने आरोप लगाया था कि सोनल पैसों के लिए उनके पिता को ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसी एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टाफीड।